अमेठी स्थानीय तहसील मुख्यालय स्थित अधिवक्ता सभागार में बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना के अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने स्थानीय तहसील में कार्यरत उच्चाधिकारियों पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए निर्णायक आंदोलन की घोषणा की। सोमवार को स्थानीय तहसील मुख्यालय स्थित अधिवक्ता सभागार में स्थानीय अधिवक्ताओं की बैठक संघ के अध्यक्ष बलदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने तहसील कर्मियों पर गंभीर अनियमितता के आरोप लगाते हुए निर्णायक आंदोलन की घोषणा की। इसके साथ ही बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी व तहसीलदार के न्यायालयों में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण होने तक कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया। सभागार में मौजूद अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि उपरोक्त अधिकारियों के पद पर रहते हुए न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में समस्त अधिवक्ता निर्णायक आंदोलन शुरू करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्व परिषद सहित अन्य अधिकारियों के पास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यवाही की मांग करेंगे। बैठक में पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, गुरुवार प्रसाद त्रिपाठी, सुनील श्रीवास्तव, सीपी सिंह, देव प्रकाश शर्मा, संजय मिश्रा, पवन तिवारी, जंग बहादुर सिंह सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह। हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे, इनका ट्रांसफर कराएंगे, दूसरा अधिकारी आएगा काम करेंगे। बैठक का आयोजन किया गया किस बात के लिए? तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर मीटिंग आयोजित की गई है। हमारी तहसील में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य कर्मचारी भी बिना रिश्वत लिए कलम अपनी नहीं खोलते, बिना तारीख के आर्डर कर डालते हैं, कोई विधिक प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही। इसी क्रम में ये आज आयोजित की गई। बिल्कुल सर के ऊपर पानी जा चुका है, इतना भ्रष्टाचार है कि इस माहौल में काम करना बहुत मुश्किल है। किसी को न्याय दिलाना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। हम लोगों की स्थिति केवल दलाल की हो गई है। अधिकारी, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी चाहते हैं कि वकील लोग खाली दलाली करें, वकालत न करें। इनको कोई वकालत करने की आवश्यकता नहीं। किस बात को लेकर भ्रष्टाचार कर रही है? रिश्वत लेते हैं आर्डर करने में, आर्डर करने में, लगाने में, हर मरबे में लोग रुपया चाहते हैं। आगे भी आप लोग इस लड़ाई को आगे? बिल्कुल आगे लड़ाई लड़ेंगे, इसके पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि तहसीलदार, एसडीएम हटाए जाए। मीटिंग का आयोजन किस बात को लेकर? ये तहसील मुसाफिर थाना में तहसीलदार और एसडीएम की कार्रवाई के मुद्दे पर यह आयोजित किया गया है। उनके भ्रष्टाचार की संलिप्तता की शिकायतें बहुत देर से आ रही है। हमारे सभी अधिवक्तागण उनके इस कार्रवाई से पीड़ित रहते हैं और आज 5-6 अप्लीकेशन आई हैं, जिसमें जो है श्री कृष्ण कुमार सिंह, श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, श्री जगत राम पाल वगैरह की हैं। और यह बहुत ही चिंतनीय विषय है कि यह न्यायिक प्रक्रिया का पालन न करके केवल और केवल जो है ये भ्रष्टाचार से लिप्त होकर जो है आदेश पारित कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें आई हैं और उस पर आज बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद ये सभी अधिवक्ताओं कौन कौन अधिकारी सम्मिलित हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार है इनके लिए? ये भ्रष्टाचार इस तरह से है कि जैसे कि पत्रावली में आज 12 तारीख डेट लगी हुई है और 10 तारीख को ही आदेश हुआ है। किसी पत्रावली में रोज पर डे जो डेली की कार्रवाई हो रही है और किसी में जो है जिसमें हाई कोर्ट का माननीय हाई कोर्ट का आदेश है उसमें भी जो है लंबी लंबी तारीखें हो रही है। इस तरह से कौन तारीख के पहले भी आदेश हो जा रहे हैं और जो जिससे मुकदमा कोई खारिज हो जाता है तो उसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन देते हैं, वार्ड दायरा देते हैं। तो वार्ड दायरा पहले आदेश होगा, उसके बाद तब मेन मुकदमे होगा, लेकिन वार्ड दायरा को बिना सुने मेन मुकदमे में जो है आदेश पारित कर रहा है और बिना प्रतिवादी को सुने ही वादी के पक्ष में जो है कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी तैयार की इसको लेकर? इसमें यह है कि सभी अधिवक्ताओं की राय है कि इससे निजात पाने के लिए ये तहसीलदार और ये एसडीएम यहाँ रहने के काबिल नहीं है। ये न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी इनको पूरी तरह से नहीं है। तहसीलदार यहाँ पहले नायब था और ये एसडीएम जो पहले तहसीलदार थे, इसलिए जो है इनके द्वारा मनमाने तौर से भ्रष्टाचार किया जा रहा है।